हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस टेस्टी चटपटी कटहल की सब्ज़ी। इसके लिए लेंगे हम फ्रेश कटहल, थोड़े से बड़े रेशे वाला। ये देखिए, इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ऊपर और नीचे की मोटा पीस जो होता है वो हटा देंगे बिल्कुल ही। ये देखो इस तरीके से। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी कोशिश है कि मैं आसान से आसान तरीके से आपको हर डिश बताऊँ। तो हमारा कटहल ये देखिए, मैंने ऊपर नीचे सारे रेशे निकाल दिए। इसके जो बीज हैं इसको हम कट कर लेंगे। इसको आप बहुत ज़्यादा हैं तो अलग से भी इसे बॉईल करके चाट बना सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें बीच में ही काट दिया है। बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों ये देखिए। इसे मैं बहुत अच्छे से धोऊंगी क्योंकि इसके रेशे में थोड़ा सा जेल होता है जो निकल जाएगा। ये देखिए, मैंने धो लिया और इसे एक छलनी में पसा लेंगे, पानी नहीं रहना चाहिए। अब लेंगे हम 2 कड़छी कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल लें, मैंने सरसों का तेल लिया है। ये सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा अजवाइन, इसे हाथ से क्रश करके डालना। और इसमें डाल दिया मैंने अपना सारा कटहल। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मैं आपको कटहल बनाना बता रही हूँ दोस्तों। इस तरीके से बनाएंगे तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। ये देखिए, मैं इसको बहुत अच्छे से तेल में अच्छे से घुमा दूँगी ताकि हर पीस के ऊपर तेल लग जाए और अच्छे से ये मिल जाए। इसमें मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। अगर आप प्याज वगैरह पसंद करते हैं, लहसुन पसंद करते हैं, तो आप इसमें उसका तड़का लगा सकते हैं। ये मैंने डाली है अब 1 चम्मच नमक। आजकल मॉइस्चर आ जाता है नमक में, डलियाँ बन जाती हैं, तो उसको हाथ से फोड़ के डालना दोस्तों, नहीं तो ये मुँह में आएगा। 1/2 चम्मच के लगभग मैंने हल्दी पाउडर डाला है। ये 1/2 किलो कटहल है मेरा, तो मैंने मसाला उसके हिसाब से डाल रही हूँ। आप अपने कटहल के हिसाब से ही मसाला जो है स्वाद अनुसार इसमें डाल दें। देखो दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से मिला दिया है मैंने मसाले को। अब हम इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए, अच्छे से पक जाए, और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखो, मैंने इसमें किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये कटहल इतना टेस्टी बनेगा दोस्तों कि आप नेक्स्ट टाइम इसको उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे। कोई लहसुन प्याज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि बिना लहसुन प्याज की भी सब्जियां बताओ, तो आप इसमें अगर लहसुन प्याज खाते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, मेरा कटहल सॉफ्ट हो गया है और मैं इसको हाथ से दबाकर देख रही हूँ किनारे दोनों तरफ के, कि वो दब रहे हैं या नहीं। ये देखिए, बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच नमक, इसमें अमचूर ज़रूर डालना दोस्तों, ये मैंने डाला है 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच ही मैंने डाला इसमें धनिया पाउडर, और इसको मैं बहुत अच्छे से मिला दूँगी। मसाले आखिरी में डालना दोस्तों, कभी भी सूखी सब्जी बनाएं तो मसाले हमेशा आखिरी में डालें। इसे मैंने नमक और हल्दी में पका लिया है। ये देखो बिल्कुल पक गया है। इसे मैं हल्का सा मुट्ठी की सहायता से या किसी चमचे की सहायता से आप इसको दबा दें ताकि इसके रेशे बिल्कुल अलग हो जाएं। ये देखो बिल्कुल अलग हो गए हैं रेशे, और इसको मैं बहुत अच्छे से हिला रही हूँ। ये देखो खुल गया है, एक एक दाना खुल गया है इसका, और ये खाने में इतना बेहतरीन लगेगा ना। देखो दोस्तों, मैं इसकी प्लेटिंग कर रही हूँ। आप भी बनाना और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। और इसको मैं बहुत अच्छे से डाल दिया है। ये देखो, मुझे अक्सर आपके कमेंट्स आते रहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए क्या सुंदर जायका था, और इतनी टेस्टी खुशबू आ रही है ना, बहुत ही बेहतरीन महक आ रही है कि एकदम से रोटी लो और इसे फटाफट खा लो। तो आप भी दोस्तों इसे घर में बनाएं और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी। ये देखिए, मैंने इसे धनिए से गार्निश कर दिया है। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी जो आपके जानने वाले हैं उन्हें बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रेसिपी पहुंच सके।